अच्छा लग रहा है। और रनी की मूवी के लिए हम लोग पहले से, मैं तो मम्मी हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, और इस मूवी का एक साल से इंतज़ार था क्योंकि ये बन चुकी थी पहले ही, और अभी बहुत धमाकेदार मूवी है, फुल एक्शन मूवी है और पूरे परिवार के साथ देखने वाली मूवी है, आप लोग जरूर 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 देखिएगा। सर पहले कौन सा मूवी आप देखे थे? इससे पहले मेरे को याद ही नहीं, इतनी सारी मूवी है रनी की। फर्स्ट मूवी कौन सा देखा था? फर्स्ट मूवी था रनी का आए हम बराती। आए हम बराती के समय मैं नहीं देख पाई थी क्योंकि मैं थी दिल्ली में अपने मम्मी के पास मायके में, और उसके पापा और वो सब लोग तो देखे थे। सेकंड मूवी थी प्रेम सुमन, प्रेम सुमन देखी थी। अच्छा, आप अनिल जी में देखते हैं कि हमेशा एकदम फनी रहता है, घर में भी ऐसे रहता है क्या? एकदम फनी जैसे मजाक मजाक करके रहता है घर में भी? हाँ हाँ हाँ, वो घर में नहीं रहती है तो वो सब शांत बैठे रहते हैं, वो घर में आती है तो शोर हुल्ला मजाक सब चलता है, वो वैसी ही है। दुल्हनिया बन रही है लेकिन रियल लाइफ में कब दुल्हनिया बनेगी? रियल लाइफ में भी बनेगी, हमें इंतजार है, हम लोग को हमको भी इंतजार है। जब बच्चे बने दूल्हा मिलेगा। अभी सर्च कर रहे हो गूगल में? बिल्कुल बिल्कुल सर्च कर रहे हैं। दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या चीज़? दर्शकों से यही करूँगी कि बहुत अच्छी मूवी है, और वैसे भी हमारे छत्तीसगढ़ को सपोर्ट करके आपको हर मूवी देखनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही मेरी बेटी की मूवी है इसलिए आप देखो, छत्तीसगढ़ की हर मूवी को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और आप ये मूवी बहुत एंटरटेनमेंट है, आइए और ज़रूर देखिए। हाँ जी, बहुत अच्छी लगी पिक्चर। अच्छा, इससे पहले आप कौन सा मूवी देखा था? हाँ जी, इससे पहले आप कौन सा मूवी देखा था लिखनी जवान का? सब बहुत पिक्चर देखी, प्रेम सुमन, आई लव यू। ये मूवी देखे में क्या डिफरेंस लगा, क्या लग रहा लिखनी जवान? ये पिक्चर शुरू से आखिर तक बहुत अच्छी लगी, बोर नहीं हुए कहीं। आपका नाम क्या? मेरा चंद्रकला। मेरी बेटी ने इस मूवी में काम किया है, हीरोइन का चाइल्डहुड रोल किया है, बहुत अच्छी लगी मूवी, पारिवारिक मूवी है। और मैम नीरा मैम ने भी बहुत अच्छी मूवी बनाई है, छत्तीसगढ़ की शायद पहली ऐसी मूवी, और मैं बोलना चाहूँगी सब एक बार अपने परिवार के साथ ये मूवी जरूर। मैम कैसा लगा आपकी बेटी जो बहुत पहली बार मैंने अपने अपनी बेटी को बड़े पर्दे पर देखी, मुझे तो बहुत खुशी हुई, आगे भी अगर ऐसा ऑफर आते रहेंगे तो मैं बिल्कुल। शरण्या पांडे तो कैसा लगा आपको पहली बार काम किया? बहुत अच्छा लगा मूवी में तो मजा। और आज आपकी फिल्म पर्दे पर आई है, इतने सारे लोग हैं, कैसा लग रहा है, प्यार मिल रहा है इतना? बहुत प्यार मिल रहा है, मतलब कुछ अलग ही लगी मूवी, मतलब पहली बार खुद को देखा इतनी बड़ी स्क्रीन पे, मजा ही आ गया। और दिलेश साहू सर, अनिकृति मैम के साथ आपने काम किया, उनके बारे में कुछ बताया कैसा था? शूटिंग के टाइम मैंने अनिकृति मैम से सही मिली थी, दिलेश सर से मिली थी, वो बहुत फ्रेंडली, बहुत प्यार से सब बात करते, प्यार से मिलते जुलते सबसे। जब मैडम आपको कुछ सीन समझाती थी तो आप कैसा उसको ऑब्जर्व करते थे, कैसे जैसे कुछ सीन्स होते थे मैं बोल नहीं पाई तो मैम मुझको आती थी समझाती थी, बोली नहीं अगर नहीं आ रहा अच्छा कुछ और करके बोलते हैं, ऐसा ऐसा करके मेरे को प्यार से समझा के, कुछ मतलब डांटी भी नहीं, सब प्यार से समझा के बताई और बहुत अच्छे से बता दी सब। सर बहुत बहुत बधाई आपकी मूवी आई। धन्यवाद धन्यवाद, जय जोहार सभी को, सभी को जय जोहार। जनता मन प्रेम के किरदार में बहुत पसंद करा। धन्यवाद, बहुत ज्यादा किरदार काफी पसंद करा है जी मेरे को। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी जैसे प्रीमियर से आया और सभी इंडस्ट्री के पूरे परिवार हैं यहाँ पे, मोर परिवार है यहाँ पे, मेरे को जो प्यार मिल रहा है, जो प्रेम के किरदार को निभाने का जो मौका मिला था और उसको जो मैंने निभाया है, उसका जो कदर मिल रहा है अभी लोगों से, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है, आपको बता नहीं सकता। आप तो ऐसे ही चेहरे में ही देख रहे होंगे मेरे, लाल हो चुका हूँ, पर बहुत अच्छा। आपको नैना कैसा लगा गाना? गाना कैसा लगा? अच्छा लगा। सिरपुर में हुई है, धरसार में हुई है और बहुत सारे अलग अलग जगहों में हुई है। जैसे शुक्ला जी के साथ जोड़ी आपकी काफी जैसे भी गाने हैं। धन्यवाद। देखो मैं तो यही कहूँगा कि मैं जैसे किरदार जो मेरा था और मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरा तो काम यही रहेगा कि चाहे वो मेरे ऑपोजिट हो या ना हो, पर मेरे को यही है कि मेरे को ऐसा केमिस्ट्री दिखाना है कि लोगों को केमिस्ट्री असली लगे और अच्छा लगे, तो यही करने की मैं और हेमा जी ने कोशिश किया था। अगर गाना अच्छा लगा है तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर अपन उड़ीसा था और अपन छत्तीसगढ़ी बोले कैसे? पहले ये बताओ कि छत्तीसगढ़ी कैसे बोला? बने बने एकदम बने बने भाई। 15 दिन पहले आया था और डबिंग भी आपकी खुद की आवाज़ थी जी? डबिंग मेरी है, आवाज़ भी मेरा है और पूरे डायलॉग्स भी मैंने खुद से बोले हैं जी। मैं 15 दिन पहले आया था, 15 दिन पहले आके मैंने स्क्रिप्ट को पूरा पढ़ा, फिर एक जन की मदद लेके, इधर उधर से मदद लेके, लोगों को पूछते पूछते अपना स्क्रिप्ट याद किया। मेरे लिए सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी
कि मैं छत्तीसगढ़ी में अगर लाइन बोल रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ी पढ़ के बोलना अलग बात हो जाता है, वो कोई भी पढ़ के बोल लेगा, पर उसको निभाना ज़रूरी था। मुझे चाहिए था कि मैं छत्तीसगढ़ी इस तरह से बोलूँ ताकि लोगों को लगे ना कि मैं छत्तीसगढ़ी नहीं हूँ करके। तो यही प्रयास रही है, अगर आप लोग को लगा कि मैंने वो उतना निभाया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैंने बराबर से बॉम्बे से वापस आया था कोविड के जस्ट बाद में, कोविड जब चल रहा था उसके बाद बकायदा मेरे को एनवी एंटरटेनमेंट से मेरे को ऑडिशन के लिए बुलाया गया था, तो मैं उड़ीसा से आया था, ऑडिशन दिया था किसी और किरदार के लिए पहले था छोटा मोटा, पर शायद कि मेरी जो ऑडिशन थी वो इतना अच्छा लग गया मैम को, प्रोड्यूसर मैम डायरेक्टर मैम को, कि उन्होंने मुझे फिर प्रेम का किरदार दे दिया। और जब प्रेम का किरदार मिला तो मैंने जब पढ़ा तो मैंने बोला कि ये किरदार तो मेरे को करना ही है, भले ही चिड़ी मार नहीं हूँ पर चिड़ी मार ही सही भाई। कोशिश करूँगा, टूटी बूटी है। मैं आप मन सब ला यही दरख्वास्त करना चाहूँ कि प्लीज़ आप मन सब अपने परिवार ला ले के हमार पिक्चर को जाके बहुत मया दुलार देवे, और फिल्म लग चुकी है, प्लीज जाके देखिए, यही बन बे मोर दुल्हनिया। और मैं अपने भाई बंधु जो भी मेरे उड़ीसा से जो मुझे फॉलो करते हैं और जो देखते हैं उनके लिए भी मैं ओडिया में ही कहना चाहूँगा कि भाई मोर फिल्म लगी जाए थी पूरा छत्तीसगढ़ में, मो फिल्म लगी थी तेई बनबे मोर दुल्हनी आज ही ठरू, तो प्लीज़ आप जो मैंने छत्तीसगढ़ अच्छा जाकि ये फिल्मटा देखु, जो आम ओडिया भाई बंधु मैंने अच्छा जाकि देखु, आदि भी न आसी पार्टी टी जगि था आम ये फिल्मटा ओडिया ओडिशा को भी पहुँचेगा। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।